इंस्पेक्टर साहब, कानून का हाथ भवानी सिंह तक तो नहीं पहुंच सका, आज वो खुद ही कानून की आगोश में चला आया। वर्दी पहनकर हमें लूटते हो इंस्पेक्टर, और वर्दी उतार कर हुस्न को, तो ये है तुम्हारा असली रूप। हाँ, शिवा के मोहल्ले में कदम रखने से पहले सोच लिया होता तो अच्छा था बड़े भाई। पापियों को खत्म करने वाला का नाम शिवा है। और शिवा का दूसरा नाम शंकर भी होता है बरखुदार। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकुमार, जितेंद्र और राजेश खन्ना की अभिनय से सजी फिल्म धर्मकांटा के बारे में, और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म धर्मकांटा एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे 13 अगस्त 1982 को रिलीज किया गया था। फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया है सुल्तान अहमद ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है राजकुमार, वहीदा रहमान, जितेंद्र, राजेश खन्ना, रीना रॉय, सुलक्षणा पंडित, हिना कौशर, अमजद खान, सत्यन कप्पू, गजानन जागीरदार, मुकरी, ओम प्रकाश और नजीर हुसैन ने। फिल्म के गीत लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने तथा संगीत दिया है नौशाद ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं, जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और भूपिंदर सिंह ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है और 62% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 3 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 6 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जितेंद्र और राजेश खन्ना के पिता के रूप में राजकुमार द्वारा निभाई गई भवानी सिंह की भूमिका पहले प्राण निभाने वाले थे, लेकिन निर्देशक सुल्तान अहमद ने सोचा कि फिल्म को बड़ा दिखाने के लिए प्राण की जगह राजकुमार को लेना चाहिए और उन्होंने राजकुमार को साइन कर लिया। फिर राजकुमार के अपोजिट वहीदा रहमान को साइन किया गया, जिससे फिल्म की वैल्यू और बढ़ गई। फैक्ट नंबर 2, कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार को हीरे का हार थामना था, इसलिए उन्हें नकली हार दिया गया, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया और कहा वह नकली चीजें नहीं पकड़ते, और उन्होंने असली हीरे का हार लाने पर जोर दिया। इसके बाद सुल्तान अहमद को असली हीरे का हार का इंतजाम करना पड़ा, तब राजकुमार शूटिंग के लिए राजी हुए। फैक्ट नंबर 3, जितेंद्र से पहले उनकी भूमिका अमिताभ बच्चन को ऑफर की गई थी। सुल्तान अहमद और अमिताभ बच्चन इस फिल्म से पहले 1978 की हिट फिल्म गंगा की सौगंध में एक साथ काम किया था। अमिताभ सुल्तान अहमद के साथ फिर से काम करने के लिए उत्साहित थे। सुल्तान अहमद ने कहा कि उन्हें अमिताभ को फिल्म से हटाना पड़ा। अमिताभ इस बात से नाराज थे कि सुल्तान अहमद ने भरत बी भल्ला को फिल्म का लेखक बना लिया है। अमिताभ इस फिल्म के लिए सलीम जावेद को चाहते थे। सुल्तान अहमद अमिताभ को फिल्म की कहानी सुनाने के लिए लेखक भरत बी भल्ला को श्रीनगर ले गए। सुल्तान अहमद ने कहा कि यह एक गलती थी, क्योंकि वे हमेशा अपने अभिनेताओं को फिल्म की कहानी खुद ही सुनाते थे। अमिताभ ने भरत बी भल्ला को देखा और नाराज हो गए। अमिताभ ने शाम को फिल्म की कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन सुल्तान अहमद को पता था कि अमिताभ फिल्म नहीं करना चाहते। शाम होने पर अमिताभ ने सुल्तान अहमद से कहा कि वे सुबह आए और नाश्ते पर इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सुल्तान अहमद अपने लेखक भरत बी भल्ला के साथ वापस मुंबई चले गए। अगली सुबह अमिताभ को आश्चर्य हुआ जब उन्हें पता चला कि सुल्तान अहमद अभी अभी मुंबई चले गए हैं।
फैक्ट नंबर 4, साल 1978 में इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान राजेश खन्ना पर शॉट लिया जाना था और अमिताभ बच्चन को क्लैप देना था। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से पहले सेट पर नहीं पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो हर बार फोन करके पूछते थे कि अमिताभ बच्चन पहुंच गए हैं या नहीं। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन के साथ भी यही दिक्कत थी, वो भी फोन करके पूछते थे कि राजेश खन्ना पहुँच गए हैं या नहीं। अमिताभ चाहते थे कि वो राजेश खन्ना के बाद पहुंचे। इधर सुल्तान अहमद बेचैन हो गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना एक ही समय पर फिल्म के सेट पर पहुंच गए। इसके बाद राजेश खन्ना पर मुहूर्त शॉट फिल्माया गया और अमिताभ बच्चन ने क्लैप दिया। तब कहीं जाकर निर्देशक सुल्तान अहमद को राहत मिली। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म की शुरुआती टाइटल क्रेडिट से पहले मशहूर हास्य अभिनेता ओम प्रकाश ने एक छोटी सी विशेष उपस्थिति की भूमिका निभाई थी। सुल्तान अहमद ने उन्हें जब यह फिल्म ऑफर की तो वह छोटी सी भूमिका नहीं करना चाहते थे। आमतौर पर ओम प्रकाश पूरी फिल्म में अभिनय करते हैं और छोटी सी भूमिका निभाकर अपनी फीस कम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दूसरे निर्माता भी उन्हें कम पैसे और वह अपनी कीमत खराब नहीं करना चाहते थे। इसके बाद सुल्तान अहमद ने उन्हें पूरी बाजार कीमत चुकाई, तब ओम प्रकाश फिल्म करने को राजी हुए। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नत्थू दादा नामक एक चरित्र कलाकार बुरी तरह से घायल हो गए थे। दरअसल एक लड़ाई के दृश्य में अभिनेता अमजद खान को उन्हें उठाकर फेंकना था और फिल्म की यूनिट द्वारा उन्हें पकड़ना था और सुरक्षित रूप से नीचे उतारना था। अमजद खान ने जब उन्हें उठाकर फेंका तब फिल्म की यूनिट उन्हें पकड़ने से चूक गई और वह जमीन पर गिर गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। इसके बाद उन्होंने फिल्में छोड़ दी और अपने गांव वापस लौट गए। फैक्ट नंबर 7, निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद पहले महान फिल्मकार के आसिफ के सहायक थे। 1970 के दशक में एक समय सुल्तान अहमद को के आसिफ की अधूरी फिल्म लव इन गॉड पूरी करनी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। सुल्तान अहमद ने जब यह फिल्म शुरू की तब उन्होंने इस फिल्म की स्टार कास्ट में अपने गुरु के आसिफ की बेटी हिना कौशर को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। फैक्ट नंबर 8, निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद ने 1989 की फिल्म दाता के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की हिट जोड़ी के साथ गंगा की धारा नामक एक फिल्म लॉन्च की और कमाल अमरोही ने क्लैप दिया। दुर्भाग्य से गंगा की धारा को बंद कर दिया गया। फिर उन्होंने एक बिना शीर्षक वाली फिल्म लॉन्च की और बप्पी लहरी ने सभी गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन फिल्म नहीं बनी। फिर उन्होंने जय विक्रांता बनाई। जय विक्रांता के बाद सुल्तान अहमद ने 1997 में रामा नामक एक फिल्म लॉन्च की, जिसमें आदेश श्रीवास्तव ने 4 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन अज्ञात कारणों से फिल्म को बंद कर दिया गया और वह आखिरी बार था जब सुल्तान अहमद ने इसी फिल्म की घोषणा की थी। फैक्ट नंबर 9, निर्देशक सुल्तान अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जितेंद्र और राजेश खन्ना इस फिल्म के निर्माण के दौरान एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहे। वे अधिक फुटेज की शिकायत करते थे और हर सीन में एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। फैक्ट नंबर 10, साल 1964 में निर्देशक के आसिफ ने एक फिल्म शुरू की थी जिसका नाम था सस्ता खून महंगा पानी। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, सायरा बानू और जयंत को मुख्य भूमिका में साइन किया गया था, लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण फिल्म को बंद कर दिया गया था। उस समय के आसिफ के सहायक रहे सुल्तान अहमद ने बाद में कुछ बदलावों के साथ धर्म कांटा के रूप में फिल्म सस्ता खून महंगा पानी बनाई। दिलचस्प बात यह है कि जहां सस्ता खून महंगा पानी में जयंत को मुख्य खलनायक की भूमिका के लिए साइन किया गया था, तो वहीं इस फिल्म में जयंत के बेटे अमजद खान ने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी।
फैक्ट नंबर 11, साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म चंबल की रानी के लिए गाने रिकॉर्ड करते समय गायिका लता मंगेशकर और संगीतकार नौशाद के बीच मतभेद पैदा हो गए थे, इसलिए नौशाद को इस फिल्म के गानों के लिए आशा भोसले का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार लता मंगेशकर और नौशाद ने अपने मतभेदों को सुलझा लिया और 1993 की फिल्म तेरी पायल मेरे गीत के संगीत के लिए फिर से एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 12, संगीतकार नौशाद चाहते थे कि इस फिल्म में सुलक्षणा पंडित पर फिल्माए गए दो गाने घुंघरू टूट गए और तेरा नाम लिया दिल थाम लिया सुलक्षणा पंडित ही गाएं, लेकिन निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्होंने फिल्म के सभी गाने आशा भोसले से ही गवाए। हालांकि सुलक्षणा पंडित का नाम फिल्म में गायिका के रूप में दिया गया है, लेकिन फिल्म में उनके द्वारा गाया गया कोई गीत नहीं है। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म के कई दृश्य 1959 की अमेरिकी फिल्म बेनहूर, 1972 की पाकीजा, 1973 की यादों की बारात और 1975 की शोले जैसी फिल्मों से कॉपी किए गए थे। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म के निर्माण के दौरान सुल्तान अहमद ने घोषणा की कि वह दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ साहेबजादे सलीम अनारकली नामक फिल्म बनाएंगे, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से फिल्म को बंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 15, निर्माता निर्देशक सुल्तान अहमद को ज्यादातर डाकुओं पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कुल 6 फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें 5 फिल्में डाकुओं पर आधारित थी, जिनमें 1973 की हीरा, 1978 की गंगा की सौगंध, 1982 की धर्म काटा, 1989 की दाता और 1995 की जय विक्रांता जैसी फिल्में शामिल है। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।